हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्पनास कुकिंग स्टाइल। आज हम बना रही है चिकन मंचूरियन। ये एक बहुत ही डिलीशियस टेस्टी रेसिपी है और जो लोग नॉनवेज पसंद करता है उन लोगों के लिए तो बहुत फेवरेट है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। मैंने 300 ग्राम एक बोनलेस चिकन लिया। इसे हम छोटे छोटे पीसेस करके काटना है, तो हम काटेंगे नहीं। इसे देखिए, एक काटा है, इससे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। चिकन इस तरह मैंने छोटे छोटे पीसेस हो गया। देखिए, मैंने वहां पे ग्राइंडर में 30 सेकेंड ग्राइंड करने से हो गया। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टीस्पून चावल की पाउडर, या चावल की पाउडर के जगह कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून सोया सॉस, ये जस्ट कलर के लिए, चाहे आप ये अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ी सी लाइम जूस, 1/2 टीस्पून नमक और 1 अंडा। ये सारे चीज हम इसे मिक्स करेंगे और जरूरत होगी और थोड़ा से हम मैदा ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह मिक्स हो गया। इसे अब हम ढककर 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। मैंने फ्रिज से निकाल लिया और थोड़ा से मैंने इसे मिक्स कर लेते हैं। कढ़ाई में तेल रख दिया गर्म होने के लिए। थोड़ा से डाल के देखती हूँ तेल गर्म हुआ कि नहीं। हाँ, तेल गर्म हो गया। अब इन्हें बॉल बना के तेल का ऊपर डालना है। मैंने हाथ से डाल लियो, चाहे आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। मैंने सारे बॉल डाल के फ्राई कर लेंगे। मैंने डाल दिया, अभी इसे पलट देते हैं। देखिए, एक साइड हल्का ब्राउन हो गया। इसे हम सारे बॉल को पलट लेंगे। ये फ्राई हो गया, अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये क्रिस्पीनेस आया क्योंकि मैंने चावल की पाउडर मिलाया। ये आप एज ए स्नैक्स की तरह भी खा सकते हो। हम नेक्स्ट बैच भी इसी तरह डाल लेंगे। ये मैंने सारे बॉल फ्राई कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। हमें उसी कढ़ाई पे बनाना है, तो मैंने तेल कम कर लिया। अभी यहाँ पे 2 टेबलस्पून तेल रखा है। अब इस तेल में 1 टेबलस्पून मैंने अदरक, 1 टेबलस्पून मैंने गार्लिक और 1 टेबलस्पून मैंने हरी मिर्ची। यहाँ पे मैंने 3 छोटा हरी मिर्ची लिया। हल्का फ्राई कर लेते हैं। हो गया, हमने 30 सेकेंड इसे फ्राई किया। अब जो मैंने हरा प्याज लिया था वो हरा प्याज भी डाल देते हैं और इसे भी थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। ये हल्का फ्राई हो गया। देखिए, इसे हम थोड़ा पानी डाल लेते हैं। अभी मैंने 1/2 कप पानी डाला, ये थोड़ा बॉईल हो जाए। मैंने अब इसका सॉस बना लेते हैं। तो मैंने 1 टीस्पून विनीगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली सॉस। अब इसे थोड़ा से पानी में मिला के घोल बना लेते हैं और इसे हम अभी कढ़ाई में डाल देंगे। मैंने सारे सॉस इसमें डाल दिया और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे हम उबाल आने तक वेट कर लेते हैं। ये सॉस देखिए उबाल आ गया।
अब हमें जो सारे मंचूरियन बॉल बनाया था उसमें डाल देते हैं। और अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। इसे हम 2-3 मिनट कुक करेंगे। और मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया, ये थोड़ा से पानी के साथ मिक्स कर लेते हैं, पानी के साथ घोल के एक घोल हम इसमें डालेंगे। डाल के अच्छी तरह से पकाएंगे। इस टाइम हम थोड़ा चेक करके नमक डाल सकते हैं। मैंने 1/4 टीस्पून नमक डाल लियो, और डालेंगे 1 टीस्पून हनी। ये थोड़ा से खाने में थोड़ा से हल्का खट्टा मीठा होता है, मैंने हनी डाल के मिला लिया। और गैस को इस टाइम पे थोड़ा से हाई रखेंगे। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ये बनने में, सॉस के बाद बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत कम टाइम में ये बन जाता है। मंचूरियन बॉल भी इसमें डालते थोड़ा सॉफ्ट हो गया और ग्रेवी भी बहुत अच्छा बन रहा है। और आप ऊपर से थोड़ा से हरा प्याज ऐड करते हैं। ये देखिए हो गया हमारे फेवरेट चिकन मंचूरियन। आप भी इसी तरह बनाइए और कमेंट में शेयर कीजिए आपको कैसे बना। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आए। तो मेरी रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। आप लोग सब खुश रहिए। टेक केयर।